हम पेपर लेके आ गए हैं और बहुत इजी पेपर आया था। पूजा बहन तूने सारे पकौड़े खा दिए, कैसी है यार तू? हमारे लिए बिल्कुल नहीं बचा है। क्या कल रात का खाना मेरी रातों में अटका है? कल रात का नहीं, भांग खाई है तूने, अभी वो अटकता है, जरूर अटकता है। अड्डे बाबू अड्डे, कैसे मेरे दांत इतने अच्छे हैं? पीले हो रहे हैं, छी छी काले हो रहे हैं, इतने बदतमीज पीले हो रहे हैं, मजाक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। तो मैं कल दीदी के घर आई थी, तो ये वहीं का सीन है। तो गाइस, ये है लेलू गांव, वड्डा से थोड़ा ऊपर पड़ता है और यहाँ से वड्डा नज़दीक ही है, पास में ही है, नीचे दिख रहा है जो वो नीचे को, और यहाँ उसका गाँव है नीचे लेलू गाँव। पूरा बहुत अच्छा है, यहाँ का वातावरण शांत है और सुबह ही धूप आ जाती है। अभी 7 बजे हल्की हल्की सी धूप आ रही है गाइज, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा, यहाँ का सीन। तो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और यहाँ हल्की हल्की सी धूप आ रही है, उन पहाड़ों पे पहुँची हुई है लेकिन अभी घर में नहीं पहुँची है। और बहुत शांत यहाँ का नज़ारा है, चिड़ियाँ चहक रही हैं सुबह सुबह, मतलब आगे पूरा मैदान सा है, खेत ही खेत है नीचे को। मुझे ब्रूस नहीं मिल रहा है, मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आज घर ही भूल गई थी अपना ब्रूस। वैसे यात्रा में अपनी छोटी छोटी चीज़ें लेके जानी चाहिए ना। और एक बहन है जो मुझे ब्रूस दे रही थी, वो भी पुराना। कहाँ मुझे पाऊँ बलव, जा यहाँ से। ये वाली सुन क्यों पड़ी है फिर, ये वाली ये पौधा गिर गया, पूजा इसको उठा। मस्त है यार, ये सब मतलब एक की तो आंख ही गायब है, कह रही थी तो इसकी है ना गायब सी, वो खा दी मच्छी को करने के लिए ऐसे मार दी, तब तो मतलब वैसे नहीं मारता पूजा। इसकी आंख हिल रही है, पता है, रोटेट कर रही है ये आंखों को, तो मरी हो जाए वो, पर आंख हिला रहा है, पर हिल तो नहीं रहा है, आलसी होता है। ओह माय गॉड, तू इतना आलसी है पूजा की जैसे। मैं वो बोल रही हूं, ये पूजा तो कौन सी वाली है, तू मोटी वाली होगी सारी। पूजा तो ये वाली है, सफेद वाली है ये, क्या हो रहा है फिर? तो ढोली तो है पूजा यार, देख ले, मैं तो लगा के रहूंगी, टेंशन मत कर, मार चाहिए, झाड़ू लगा चल, मेरे को ब्रूस की जरूरत है, पहले ब्रूस दिला मुझे तब नहीं लगाऊंगी। चल झाड़ू लगा ले, वैसे गंदा नहीं रहता, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, वैसे गंदा नहीं हो रहा है, झाड़ू मत लगाने दो इसको, बेचारी पूजा बहन पतली हो जाएगी। थोड़ा पतली हो जाएगी, वो सही कह रहे हो, इसको पोछा भी लगवाना रोज रोज, रोज झाड़ू रोज पोछा लगाना पूजा। कैसा मुंह बना के बैठे है, ओ भाई ये डरता भी नहीं है। तो गाइस, ये है एक्वेरियम, इसमें 3-4 मछलियां हैं, 3-4 फिशेज हैं इसके अंदर जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और एक ये है जो ढीठ सी फिश है, अपना मुंह फैलाए यहाँ पे, कोई हरकत नहीं कर रही है, मतलब हिल डुल नहीं रही है, ये बिल्कुल जहाँ पे रह रही है वहीं पे शांत रह रही है। मैंने नहा लिया है और पूजा बहन अभी बना रही है, पूजा किसकी दाल बना रही है? गोद की दाल बना रही है, और सुबह सुबह भात बन रहा है, और मैं भात खा के जाऊँगी पेपर देने के लिए। 9:30 बजे का टाइम है तो मुझे तैयार होना पड़ेगा, फिर मुझे जाने में भी टाइम लगेगा क्योंकि जीजू छोड़ेंगे मुझे वहाँ तक। तो तू भात दाल बना पूजा, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? सुबह से हो गई हूँ तैयार जाने के लिए, अभी नाश्ता नहीं किया है, नाश्ता करूँगी उसके बाद ही जाएंगे। क्या है, गर्मा गर्म भात लो जीजा जी आपके लिए स्पेशल, कहाँ पे खाओगे? जीजा जी चढ़ रही सी वाला, वाह भैर बैठाओ गमला है, सही है। ये मेरी प्लेट है गाइस, इतना खा लूंगी पूजा में, तूने ज्यादा डाल दिया। हम निकल गए हैं घर से, थैंक यू।
लंबी चौड़ी लाइन लगी है पीछे तक। फोन अलाउ नहीं है तो मैं इसको कहीं दुकान पे रखवा लेती हूँ। 3 hours later हम पेपर लेके आ गए हैं और बहुत इजी पेपर आया था लेकिन मैंने तुक्के भी गलत उड़ाए माइनस मार्किंग की डर थी। अब माइनस मार्किंग में ही जाएंगे जितने जाएंगे। वैसे तो पेपर बहुत इजी आया है। हम आ गए हैं परीक्षा दे के। अब देखो क्या होता है, पुलिस वाले बनते हैं या नहीं वो तो अब बाद में पता चलेगा। हम घर आ गए हैं। पेपर लात मारूंगी यार। पेपर ठीक मतलब क्या ही बताओ यार। गाइस मैं आ गई हूँ पेपर देने के बाद घर। मेरे को लेने के लिए पूजा के ससुर जी आए थे, मतलब पापा जी आए थे। तो मेरे साथ मेरी दोस्त भी आई है तो वो आपको बताएगी कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया। अभी मैं अपनी दोस्त को लेके आई हूँ अपनी दी के घर पे। तो अभी आपको बताएंगी कि इनका पेपर कैसा हुआ। नहीं लग रही है धूप नहीं लग रही है धूप बताओ ना कैसा हुआ। पेपर तो काफ़ी इजी आया था लेकिन माइनस मार्किंग थी तो हम लोग ऐसे तुक्के लगा के आए हैं। पता नहीं कितने सही होंगे कितने गलत ये नहीं बता सकते कुछ। ऐसा ही मेरा भी हो रहा है। इसमें से पता बहुत कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आए थे लेकिन पेपर इतना इजी आया था ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। जिसको कुछ नहीं भी आता होगा वो भी करके आया क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। लेकिन उसमें से कुछ बहुत क्वेश्चन कन्फ्यूज वाले भी थे यार। थोड़ा सा तैयारी की होती तो शायद अच्छा और अच्छा बेहतर करके आते हम लोग। फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ही हुआ है, मतलब जिस हिसाब से हमने कम पढ़ाई करी थी फिर भी पेपर अच्छा ही गया है। लेकिन अब मेरिट ना बहुत हाई जाएगी और हार्ड मार्किंग होगी मेरे ख्याल से। तो अब देखो क्या होता है, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। वैसे तो कल परसों ही पता चल जाएगा जब आंसर की आएगी, लेकिन फिर भी रिजल्ट का इंतजार तो रहता ही है जिसमें हमारा नाम होगा या नहीं पता नहीं। हम खाएंगे गर्मा गर्म, अच्छा हाथ दिखाना। हम गर्मा गर्म पकौड़ी खाएंगे पूजा के हाथ की। तेरा अच्छा ही हाथ है वैसे भी। किस चीज की बना रही है पूजा पकौड़ी? यही लगता है। किस चीज की पकौड़ी बना रही है? ऐसा तो मत दिखाए भूतों की तरह। तुझे आना ही पड़ेगा, तू बना दो फटाफट। चल चाय बनाएगी इसके साथ, चाय विद पकौड़ी। चल मैं चाय रख देती हूँ फिर। कैसा रख दू? अब हम गर्मा गर्म पकौड़ियों का आनंद लेते हैं। पहले मैं चाय बनाती हूँ उसके बाद ही पकौड़ियों का आनंद लिया जाएगा। गाइज अब हम लेंगे चाय और पकौड़ों का आनंद। मेरी दोस्त के हाथ में है चाय और मेरे हाथ में है पकौड़े। आओ पकौड़े खाओगे गरम गरम। यहीं पर रख दो। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ लेकिन आज मैं पी रही हूँ। पूजा कैसी हो, कैसी हो रही है मेरे हाथ की पकौड़ी? पूजा मेरे हाथ की पकौड़ी कैसी हो रही है? चाय तो मैंने बनाई है ना। चाय अच्छी हो रही है, पकौड़ी तो मुझे तेलैन लग रही है। ये ऑयली ऑयली हो रहा है मुझे, मेरा वेट बढ़ जाएगा कहीं। गाइस पकौड़ियों की समाप्ति। मुझे अब हिंदू ने सारे पकौड़े खा दिए। कैसी है यार तू, हमारे लिए बिल्कुल नहीं बचाए। मिर्च लग गई तेरे को। चल तुमने काले काले हाथ मत दिखा इधर। तू मेरी अम्मा का समझ कर यार पूजा। छी गूंगी बन जाती है, तू भी वैसी ही है। है कर देती है सही में। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। चार लोग तो हैं हम। चलो बैठो और बैठो। छाया करना लेकिन इसके लिए तीता हो जाएगा वरना। हम कर रहे हैं अभी चूक बनाने की तैयारी। गुड़ तो डाला है मैंने, चीनी भी डालू। अब नहीं आएंगे हम अंदर, नहीं आए हैं वो भी। अब चूक बनाते हैं, तू आना बार बार में। गाइस आज मैं पहली बार चूक खा रही हूँ इसके घर में आके। मेरे को टाइम नहीं मिलता है ना अपने घर में खाने का, इसलिए आज धूप आई है तो हमको लगा हमने बना लेना चाहिए चूक। तो हमारा पेपर इतना अच्छा हुआ है कि हम चूक उस खुशी में चूक पार्टी कर रहे हैं। लोग मिठाई पार्टी कर रहे होंगे, हम चूक पार्टी कर रहे हैं क्योंकि ये चूक जैसा ही बना के आए हैं। क्योंकि हमारा पेपर अच्छा हुआ है। गाइस ये मुझे फायदे बता रही है चूक खाने के। क्या फायदे होते हैं चूक खाने के? पेट साफ होता है नंबर वन, और भूख लगती है क्या? तू अपना बता रही है और मुझसे बोल रही है। गाइज इससे हम मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर सकते हैं। इससे स्क्रब भी करते हैं, मुंह में भी कर सकते हैं, और सर में भी डालते हैं, डैंड्रफ होता है जब। हाँ अगर हम फटे हुए हाथों में इसको रगड़ रगड़ के लगाए इसके छिक्कल तो हमारे हाथ फटे हुए ठीक हो जाते हैं। कम क्यों लग रहा है? चूक हो जाएगा 4-5 लोगों के लिए।
एक बार काट लेना। कौन है, कोई नहीं खाता इतना कटोरा भर भर के, कौन खाता है, तू ही खाएगी बस। तो गाइस हम अभी लेलू घाटी पिथौरागढ़ से लेलू घाटी से बात कर रहे हैं। दिखा देना मैं रुक जा, घाटी तो दिखा लो जरा। घाटी मैंने सुबह दिखा दी है और हम यहाँ चूक बना रहे हैं। तो लेलू घाटी की खोज पूजा द्वारा की गई थी। गाइज ये बन गया है गाइज, अब हम इसको खाएंगे गाइज। इसमें तो चूक के दाने भी थे जो हटाने पड़ेंगे। नहीं हटा मत उनको, जब सूप पीएंगे तब मजा आता है, जब वो मुंह में जाए तो। टेस्ट करो गाइज, मुंह में मेरी तो राल टपक रही है। गित्तू बहन कहीं तू इसमें राल मत टपका देना। कैसा हो रहा है, नम मीठा हो रहा है? नहीं मीठा कम हो रहा है थोड़ा सा। अब चीनी डाले पूजा इसमें थोड़ा। गाइज अब ये टेस्ट कर रही है, कैसा हुआ गित्तू? गित्तू बहन इसमें मत डालना। गाइस सास की मम्मी आ गई है, जाइए आप हाथ धोइए और चाय और पकौड़ी का आनंद लीजिए। हमारा भेष निकालता है मैं। अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ हाथ धो, चाय पियोगे फिर चूक खाओगे। कदू बार काट लाहा? कदू भरी एक भरी एक ही उसे ला गई है कटोरे। हम चार ही लोग हैं, थाली में कौन खाएगा? मैं गाइस मैं खाऊंगी। तूने बनाया नहीं है पूजा, तो मैं खाऊंगी। जिसने बनाया है वो खाएगा। तुम डालो ना, तुम्हारी गंदी हो रही है। ऐसे ऐसे करके थाली में डालो, उसी हिसाब से डालो, थोड़ा चार कटोरे हो जाना चाहिए, बाकी क्या करना है, ज्यादा लोग थोड़ी ना है। पूजा के लिए खाली चाटने के लिए बचाना रे, जब बेइज्जती है तू सिर्फ चाटेगी। क्या तुझे थाली में मिल रहा है? थाली में वैसे भी अगर थाली में थोड़ा भी होगा ना, ज्यादा भी होता तो थोड़ा ही दिखता है, क्योंकि थाली चौड़ी होती है। सासू माँ गई थी घास काटने के लिए, बिचारों के कपड़ों में कुमर लग गए हैं। पूजा कुमर टी पहले इनके लगे हैं ये मम्मी जी के। अच्छा 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 चलो खा लो। सास बहू का प्यार तो देखो, जंगल में भी चूक खाते हो आप लोग? ऐसा हो रहा है हर्षी ना गुल्ली एल दोबार क्या आली मीठ का मेरी मौज हुई। हाँ मौज डाल के अच्छा हो जाए, वही बात नहीं मौज है करके पता ही नहीं था। इतना तो मिल गया तुझे, बोल हम तो थाली थाली देने वाले थे चाटने के लिए। क्या आज दिन का खाना आपके? पहले ई कर पहले तुम करो ई। नहीं मेरे दांतों में हंसते हैं, मन नहीं कर। ई कर हंसदे बाबू, हंसदे हंसदे बाबू। क्या कल रात का खाना मेरे दांतों में अटका है? कल रात का नहीं, भांग खाई है तूने, अभी वो अटकता है, जरूर अटकता है। मैं तो बोल हंसदे बाबू हंसदे। कोई से मेरे दांत इतने अच्छे हैं, पीले हो रहे हैं, छिछी काले हो रहे हैं, इतने बदतमीज पीले हो रहे हैं। मजाक कर रही हूं अभी, तुझे जूम करके हम देख गए तू यार। अब फटाफट चाट इसको, लास्ट तू ही बची है, हम सब ने खा दिया। उतना तो दिया था, वो भी नहीं चाट पा रही है त्यूनिया जैसी। ये मैंने तो खा लिया, अब अंदर खाने का मन नहीं है। ए तुम करो तो, ये तुम्हारे कैसे हो रहे हैं? मेरे दांत नहीं है, फंसते हैं ना मेरे दांतों में। तो गाइस चूक खाओ और दांतों में ना अटके, ऐसा कैसे हो सकता है? चूक खाने की पहचान होती है भांग के छिकल का दांत में अटकना। तो मेरे दांतों में तो वैसे नहीं अटका है, वैसे अटकता है बहुत, क्योंकि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, थोड़ा बहुत अटका होगा, अभी खुला करके निकल जाएगा। तो चूक बहुत टेस्टी हो रहा था, चूक का आनंद हमने ले लिया है, और अब शाम भी होने लग गई है क्योंकि दिन भी धार में पहुंच गया। अब देखो क्या करते हैं हम काम। अब चूक तो खाई लिया है, छिकल कौन साफ करेगा? तुम्हारी बकरियां है नहीं पूजा? ए पूजा हाँ बकरियों को दे देना, चूक के छिकल खाते हैं बकरियां। ठीक है इनको उठा देते हैं, चलो कटोरी को अंदर ले जाते हैं बर्तन धोने। तो गाइस हमने चूक का आनंद ले लिया है, कैसा बना था? बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें खट्टा लग गया था, तो खट्टा बना था, खट्टा आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, तो कमेंट लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चूक खाने में मजा तो आ गया, तो बाकी क्या ही बोलूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना है मुझे ब्लॉग, क्योंकि बहुत बन गया है सुबह से, लंबा चौड़ा ही हो गया है वैसे आज का ब्लॉग। तो इस व्लॉग की एंडिंग यहीं कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना मेरी अगली वीडियो के लिए। मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय कहना पड़ेगा, बाय बाय।